सेकंड हैंड इधर आपको ट्राईपॉड वगैरह भी मिल जाएगा। बज रहे सुबह के 8:30 और मैंने अभी जस्ट अपने ट्रैवलिंग का वीडियो अपलोड किया। रात में एडिट करना, सुबह उठ के अपलोड करना, यही ब्लॉगर की लाइफ है भाई। चलो फिर मिलता हूँ आपसे मैं फ्रेश होने के बाद में। गाइज अभी हम ऑटो में हैं और आप देख सकते हो मीटर पे 25 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मीटर 25 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, अपने मुंबई में 18 रुपीज़। तो ये बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे बेंगलोर में। बॉम्बे में कितना भैया? 18। 18? हाँ 18 रुपये। हाँ अभी हम आ गए हैं केआर मार्केट, जो कि बेंगलोर के लोग इसको बोलते हैं केआर मार्केट, तथा मुंबई वाले इसको बोलते हैं चोर बाजार। चलो देखते हैं यार क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि बेंगलोर का चोर बाजार कवर करना, तो मैं अभी आ गया हूँ। जैसे देख रहे हो क्राउड स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं भाई क्या कुछ देखने को मिलता है इधर। ठीक है जो छोटे छोटे दुकानें जो रहती है वो सब सारी खुल जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मिलनी रहती है वो भी मिलती है। मीन्स सुई से लेके बाइक तक, गाड़ी तक यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब सेकंड हैंड लो प्राइस में। जैसा कि आपने देखा जिम से लेके ट्राईपॉड और इलेक्ट्रिकल सामान, मतलब बहुत सारा, जैसे आपने मुंबई के चोर बाजार में मिलता है तो उसी टाइप से। और भी अभी हम मार्केट के दूसरी तरफ आ गए हैं, तो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। ठीक है भाई, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे बाहर भी मार्केट लगता है, और इसके बाद ये बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें पूरा इलेक्ट्रिकल और जो सारी सामान है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पे मसाले वगैरह की सब बहुत सारी दुकानें हैं, और ऊपर आप आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे आपको टूल्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल जो टूल्स यूज़ होते हैं उसके सारे शॉप्स हैं। कुछ तो बंद है, जो खुले हैं उसमें तो वही टूल्स वगैरह मिलते हैं इलेक्ट्रिकल। सो गाइज बेसिकली जैसा अपना मुंबई में चोर बाजार है, सेम वही सब आइटम्स यहाँ मिलते हैं, बट ये मार्केट एरिया में बहुत बड़ा है, उससे डबल है शायद, शायद इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट है इस टाइप का। पता नहीं, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो सॉरी, लेकिन मुझे यही पता है कि लार्जेस्ट है, और एरिया वाइज में बहुत बड़ा है भाई, और बहुत क्राउड है आज, क्योंकि आज संडे है तो आज बहुत क्राउड है, और छोटे मोटे जो दुकानें खुलने रहती है वो भी खुल चुकी है। अभी हम मार्केट से निकल के आ गए हैं एमजी रोड पे, और एमजी रोड पे क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि एमजी रोड का मार्केट देखना बहुत अच्छा है, तो मैं सोचा चलो एमजी रोड जाके देखता हूँ क्या कुछ देखने को मिलता है। एमजी रोड बोले तो महात्मा गांधी रोड।
सो गाइस आपको यहाँ पे कॉइन्स वगैरह दिख जाएंगे, एंटिक चीज़ है ये कुछ दिखना। बेसिकली एमजी रोड पे यार छोटे छोटे स्टोर्स हैं, आपको बुक्स स्टोर, हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स वगैरह के, आपको कारपेट्स हो गए और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स आपको मिलेंगे। वैसे मुझे कुछ यहाँ पे उतना स्पेशल दिखा नहीं यार, मैं सोचा एमजी रोड पे कुछ खास देखने को मिलेगा बट वैसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे स्टोर्स हैं बस। मैं अभी आ गया हूँ स्टार सिटी में और मैं बॉलिंग ट्राई करने वाला हूँ, ये देखता हूँ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ कितना हिट कर पाता हूँ मैं, ठीक है। गाइस अभी मैंने ट्राई किया आइस पंपिंग कार जो कि बहुत मज़ा आया, 100 रुपीज़ में था 5 मिनट्स के लिए आइस पंपिंग कार। तो आपने देखा ना मैं अंकल को कितना ठोका ले जाके गाड़ी, वैसे भी कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं हो रहा था बट ठीक ही था, मज़ा आया। ये था अपना स्नो सिटी। Two hours later. तो गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आज हमने घूमा चोर बाजार, एमजी रोड कुछ खास था नहीं, मैंने ऐसे ही दिखा दिया। फिर हम गए स्नो सिटी और यौन मॉल में जाने वाला था बट आज कुछ पॉलिटिकल मीटिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत क्राउड था, इसलिए मैं नहीं जा सका। हाँ, और मेरा नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट प्लानिंग ये है कल मैं रामगढ़ मीन्स मैसूर के लिए निकलूँगा, तो ऑन द वे रामगढ़ पड़ेगा तो रामगढ़ का ब्लॉग बनेगा। रामगढ़ आप जानते होंगे जहाँ पे शोले शूट हुआ था, तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें बची हुई है, क्या नहीं है, क्या कुछ है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उधर मिलेगा। तो मैं उधर भी जाने वाला हूँ रामगढ़, और फिर मैसूर जाएंगे, मीन्स 2 दिन और रहने वाला हूँ मैं यहाँ पे, तो मैसूर जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे, वहाँ हिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है तो वो देखेंगे। और ये शूट करते वक्त ही कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर आती रहती है। तो चलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं पसंद आएंगे तो आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे फिर भी अच्छी बात है यार, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कोई कौन सा ब्लॉगर पसंद होता है, कौन सा कोई ब्लॉगर पसंद होता है। तो मुझे किसी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है, ना ही मेरे ग्रोथ से मुझे प्रॉब्लम है, मेरी ग्रोथ स्लो है बट धीरे 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 होती रहेगी जैसे मेरा कंटेंट आता रहेगा। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।